ओके चलो मुझे बताओ कल क्या होमवर्क था आपको। पहले होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होमवर्क से। ठीक है तो चलो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लास, ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास, यूट्यूब क्लास, अब सब एक साथ चलेगा। मेक श्योर यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। दिख रहा है क्या सबको गाइस? ओके आप चाहो तो इसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जूम कर सकते हो, है ना? जैसा तो पहला क्वेश्चन था ये वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। के सेंट 500 आर्टिकल्स टू हिज एजेंट जय एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 25 पर आर्टिकल एंड पेड अ फ्रेट एंड कार्जे 1000। जय ने उसमें से 400 आर्टिकल बेचे 40 पर आर्टिकल और अकाउंट सेल बेचा। उसने डिडक्ट किए 200 रुपए स्टोरेज के लिए और 300 रुपए सेलिंग एक्सपेंस के लिए। वो 10% कमीशन चार्ज करता है ऑन ग्रॉस सेल एंड रिमिटेड अमाउंट ड्यू टू के। रिकॉर्ड द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन इन केस लेजर शोइंग द प्रॉफिट अर्न बाय क्या कंसाइनर। ये क्वेश्चन हो क्या, किसी ने किया क्या? मानसी आई है क्या? मानसी चलो ठीक है, तो मुझे पटापट अगर किए है तो आंसर्स बता दो। लेट्स सी कौन बनाएंगे अपन इसमें, कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए बोलो गाइस, स्पीक अप। कंसाइनमेंट अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनी अकाउंट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ हमारे पर्टिकुलर्स और यहाँ रहेंगे क्या अमाउंट। होपफुली आपको किसी को चाहिए कि इसका आंसर कि हो गया है, हो गया तो मुझे सिंपली नहीं क्या प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बता दो, उतना ही मेरे लिए काफी है। 3100 सबका आया क्या बेटा? ये सबका आंसर है क्या? हेलो, कुछ तो जवाब देना चाहिए आपको, बराबर है ना? फिर एक कंसाइनी अकाउंट भी बनाएंगे अपन। कंसाइनी अकाउंट में बाद में पूरा कैश दे दिया जाए क्या? तो बाय बैंक्स कितना आया फाइनल रेमिटेंस? 30,900। ये आया क्या सबका कि किसी को इशू है इसमें? 13,000, 13,900। ओके इज दैट ओके? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? अगला था श्री मेहता ऑफ बॉम्बे कंसाइन। आवाज कट रही है बेटा तेरी, हर्ष कुछ बोल रहा था, तेरी आवाज कट रही थी। चलो अगला था श्री मेहता ऑफ बॉम्बे कंसाइन किए 100 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹100 ईच टू सुंदरम ऑफ मद्रास। मेहता ने पे किया फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज कनेक्शन विद कैरेज फ्रेट लोडिंग चार्जेस सब कुछ मिला के 5000। किसी के माइक में थोड़ा सा इशू है, अगर इफ यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट योर माइक क्वालिटी कीप इट ऑन अ म्यूट, जब आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हो। मेहता ने कंसाइन किए 1000 केसेस ऑफ गुड्स जिसकी कॉस्ट ₹100 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ मद्रास। मेहता ने पे किया फॉलोइंग एक्सपेंसेस Whose mic is on? Please guys, अपना माइक बंद रखिए। श्री अच्छा फ्रेट लोडिंग चार्जेस और कैरियज सब मिला के 5000। सुंदरम ने उसमें से 1000 में से 700 केसेस बेची 140 पर केस और उसने इंकर्ड किया एक्सपेंसेस जिसमें क्लियरिंग चार्जेस थे, स्टोरेज था, पैकिंग, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस था 600। गाइस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। दीप थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो बेटा, फिर क्लास के बीच बीच में आई हैव टू एडमिट एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा कल से कि अगर आप बिल्कुल क्लास चालू होने के 5 मिनट में ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आप बाहर ही रहिए, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा लंबा समय तक, या तो फिर आपको जितना छूटा है उतना आप फिर गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो।
इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, 1000 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट. श्री सुलदरम इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल. ड्राफ्ट करनी है जर्नल एंट्री, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, सुंदरम्स अकाउंट बनाना है और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है. तो मुझे थोड़ा सा इसका सोल्यूशन बना दीजिए, मैं देखता हूँ ये आपके आया है या नहीं. वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांजिट एंड इसको बोल सकते स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. ये दो चीजें मैंने आपको करने बोली थी, इन दो चीजों का हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे. तो आते आगे आते चलो देखो बताओ. ये नोट नंबर वन, आई नीड टू हैव आंसर फ्रॉम यू. टोटल कॉस्ट ऑफ कितनी केसेस सेंड की, 1000 केसेस सेंड इज इक्वल टू, ये आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 1,00,000 रुपया. अरे यस और नो? यस. प्लस आप, हाँ आपने इसमें ऐड किए कितने, 5000. सुंदरम ने क्लियरिंग चार्ज, उसको जो मिला, हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांजिट. तो इसके लिए हम ये दो ही चीजें लेंगे जो आता है 1,05,000. यहां तक ठीक है? तो इसमें, हाँ इसमें निकालेंगे अपन नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 1,05,000 डिवाइडेड बाय कितना रे, 1000. हाँ तो ये कितना, ये कितना आता है, ₹105 पर यूनिट. बराबर है ना? तो फिर आप इसमें से निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इज इक्वल टू, इसको चाहो तो आप ए दे दो, ये आएगा आपका 50 यूनिट लॉस्ट हुए ना, 50 मल्टीप्लाइड बाय 105 कितना आता है बेटा, 5250. और उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जो माल अभी भी ट्रांजिट में है, कितना यूनिट, 100 यूनिट. तो ऊपर लिखेंगे 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹105 पर यूनिट, और यहां लिखेंगे 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹105 पर यूनिट. अब साथ ही साथ इसकी जर्नल एंट्री भी लिख लेते हैं अपन. ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, आपको अगर इसकी जर्नल एंट्री ही पास करनी है तो क्या एंट्री पास की आपने, एबनॉर्मल लॉस ऑन डेबिट. कितना बेटा, 5250 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. या फिर इसी को डालोगे आप कौन से अकाउंट में बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट 5250. ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री. जो गुड्स इन ट्रांजिट है, आप चाहो तो उसकी भी क्या पास कर सकते हो, जर्नल एंट्री. वैसे एग्जाम में आपको डायरेक्ट अकाउंट ही बनाना है, ये जर्नल एंट्री तो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस सही से कर सको. और गुड्स इन ट्रांजिट की भी चाहो तो आप डबल एंट्री पास कर सकते हो. एंट्री क्या होगी बेटा, स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये दिखेगा आपके बैलेंस शीट में, आपका एसेट है कितने रुपए का बेटा, 10,500. और इधर 10,500 टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. तो ये आपको करना था पहला वर्किंग नोट नंबर, इसको क्या बोले हमने, वन. ये आ गया क्या सबका सही से? फिर आगे क्या दिया है,
It is found that 50 cases lost in transit and 100 cases are still in transit. See, Sundaram is entitled to commission of 10% on gross sum. Draft kya? Journal entry. Do number ki note banayenge. Working note number 2. Aur isko naam denge. Calculation of a cost of closing stock. पहले तो यूनिट निकाल लेते हैं, क्लोजिंग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब अगर आपको कोई क्लोजिंग क्वांटिटी बोले तो बताइए, तो क्लोजिंग क्वांटिटी हमने भेजा कितना था? 1000 यूनिट है ना। इसमें से लॉस कितने हो गए? 50 यूनिट्स। अभी भी ट्रांजिट में कितने हैं? 100 यूनिट्स। और उसने बेचे बेचे कितने? कितने? 700। तो बचा कितना? 150 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारी क्लोजिंग क्वांटिटी, बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, इसमें क्या क्या आएगा? तो हमने कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट सेंट लिख लेते हैं। हमने तो 1000 यूनिट सेंट किए थे, इसकी कॉस्ट क्या है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो है ही, अरे हाँ कि ना। प्लस 5000 हमने लगाए थे, ये भी है। उसने क्लियरिंग चार्जेस लगाए कितने? 850। तो ये हो गया, हाँ, 105,850, बराबर है। तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है हमारा? 1,05,800 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आता है बेटा ये? 105.8। और यहाँ पे लिखेंगे अपन वैल्यू। ओके ओके, 850। तो यहाँ कर देते 85। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट आएगी 150 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 105.85 and it comes to how much better? 15,878 round off, ये 0.5 आता, तो हमने इसको क्या कर दिया? राउंडिंग ऑफ कर दिया। अब चाहो तो आप इसकी जर्नल एंट्री भी, हाँ, 15,000 चाहिए। ओके ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, 15,000। और आप इसकी क्लोजिंग स्टॉक पास करो, क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट को करेंगे डेबिट 15,878 टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स या कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हो गया अभी पूरा प्रोग्राम और पूरा कार्यक्रम। एक वर्किंग नोट और बना लो कमीशन का। बोलो कमीशन सर, एक बार पूछ बोलना सर, वो 850 यूनिट जो उसके पास पहुंचे उसके लिए देना, तो 1000 से क्यों लगाएंगे? अनिकेत का सवाल है, ये उसने कितने यूनिट पे दिया? 850 यूनिट पे ही दिया, जो उसके पास पहुंचे तो हम 1000 पे क्यों लगाएंगे? पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अपन ने क्या किया कि पूरे 1000 यूनिट का कॉस्ट लिया, ठीक है, इसको सही है, तुम्हारा पॉइंट गलत नहीं है। ये 105 के जगह पे फिर वो 106 आएगा। यहाँ पे करते कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट सोल्ड, एक मिनट का चालू रखना, इसका पॉइंट बराबर है, उसका कुछ गलत नहीं है और ज्यादा लेजिटिमेट पॉइंट है। ये है 105,000, तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट सेंट ये आएगा, एक मिनट, वही से रिपीट करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 पैसे का फर्क पड़ेगा, पर पॉइंट सही है इसका। ये तो 105 रुपये आ जाएंगे नीचे। फिर एक काम करो,
ये सही है, अनिकेत का पॉइंट सही है और वो ज्यादा सही है, मार्क एकदम एक्यूरेट मिलेंगे आपको। इन एडिशन टू अबो, इसको ₹105 पर यूनिट कर देते, ये तो हमने पहले भी निकाला था, ठीक है। इन एडिशन टू अबो, कंसाइनी ऑल्सो स्पेंट ₹880 ऑन 850 यूनिट्स रिसीव्ड बाय हिम, सो एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 850 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ₹850 इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट। तो भाई वहां पहुंचने के बाद पर यूनिट की कॉस्ट ₹1 से बढ़ गई, हेंस टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये होगी 105 प्लस 1, इज इक्वल टू ₹106। गुड पॉइंट अनिकेत, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ₹105.85 के करने के बजाय ₹106 से करेंगे तो ये आएगा 106 मल्टीप्लाइड बाय 150, 15,900। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। ये तो पॉइंट मैंने भी स्किप कर दिया था पर तुम्हारा पॉइंट सही है, थैंक यू सो मच। तो 15,900 की एंट्री करेंगे हम। ये कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा परफेक्ट है कि उसके पास अगर 850 यूनिट ही पहुंचे और उसने खर्चा भी ₹850 ही किया है तो भाई ₹1 पर यूनिट उसने स्पेंड किया है उस पे, तो 105 का तो था ही, ₹1 और लगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ के हो चुकी है ₹106, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ₹106 के हिसाब से करनी चाहिए। अब वर्किंग नोट नंबर 3 पे आते हैं। ये वर्किंग नोट बनाएंगे अपन कमीशन का। बोलो तो कमीशन का फार्मूला क्या लगाया आपने, कितने यूनिट बेचे उसने? कितने यूनिट बेचे? 700। क्या रेट से बेचे? 140। इस पे कितना परसेंट देना है? 700 मल्टीप्लाइड बाय 140 इंटू 10% कितना होता है उसका कमीशन? कमीशन कितना हुआ? 9,800। ये तीनों चीजें हो गई। बस अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लेके, वर्किंग तो हमारे पास तैयार है, इसकी चाहो तो जर्नल एंट्री पास आप कर लेना, मैं इसके लेजर बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, तो मैं बनाता हूँ इसका कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जो पॉइंट अनिकेत ने रखा ना, इसको ध्यान में रखना, बहुत ही वैलिड और बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। पॉइंट जिसके ध्यान में आया, समझ जाओ कि आपका भविष्य उज्जवल है, आप अपनी भी किस्मत बदलोगे और अपने साथ वालों की भी बदलोगे। तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कुछ है क्या? एक एक लाइन पढ़ते। मेहता ने 1000 केसेस 100 इंच के कंसाइन किए सुंदरम को, तो इसका लिखेंगे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आएगा अमाउंट बताओ? फिर आगे पढ़ते हैं। हमने ₹5,000 पे किया कैरिज फ्रेट एंड लोडिंग चार्जेस टू कैश बैंक, किस किस का खर्चा है ये? कैरिज फ्रेट कितना रुपया? 5,000। और तो और उसने 700 केसेस सेल किए, तो यहां लिखेंगे बाय कंसाइनी, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, यहां लिखेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाय 140। कितना होता है 700 मल्टीप्लाइड बाय 140?
98,000। फिर आगे लिखेंगे हम, उसने खर्चा किया क्लियरिंग चार्जेस, स्टोरेज, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 600। तो यहां लिखेंगे टू कंसाइनी, कितना होता है टोटल खर्चा उसका, 850 प्लस 1,700 प्लस 600, 3,150। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, ऑल राइटी। आगे बढ़ते हैं, 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए, तो यहां पे लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, या आप नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो। कितना आया था, वैल्यू निकाल लिया था ना हमने, 5 to 5, 5 to 5 0। 100 केसेस अभी भी ट्रांजिट में है, बाय स्टॉक इन ट्रांजिट कितना निकाला था हमने, 10,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना निकाला था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ कोई। फिफ्टीन थाउजेंड 900। और कुछ था क्या इसमें, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, हाँ कमीशन, टू कंसाइनी ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, ये कितना था कमीशन, नाइन थाउजेंड 800। तो यहां मिलेगा हमें टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना है बोलो, इलेवन थाउजेंड 700, 11,700। टोटल बता दो कितनी है, गाइस टोटल एनीवन, वन लैख 29,650। तो हियर वी गो, ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट आप बना लेना, उसने तो पूरे पैसे भेज दिए ना ऊपर के, दैट्स इट। आया, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपका ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में, और ये पॉइंट बहुत ही सही और बहुत ही लेजिटिमेट पॉइंट है, वेरी केयरफुली इसको देखना चाहिए आपने सबने। आगे बढ़ सकते हैं हम, इसके बाद वाला क्वेश्चन किसको जमा, चलो देखते हैं क्या किया। चलो, एक शॉप कोलकाता ने सेंड किए कंसाइनमेंट ऑफ 500 बाइसिकल जिसकी कॉस्ट ही 100 ईच टू वाई ऑफ बॉम्बे, एक्सपेंसेस 700 रुपए आर मेड बाय द कंसाइनर, तो ये भी डेबिट होगा 500 इंटू 1,000 और 700 रुपए। वाई ने स्पेंड किए 1,500 फॉर क्लियरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेयर 10 पर बाइसिकल, वाई ने सोल्ड की 400 बाइसिकल 160 ईच की, वाई को मिलेगा फिक्स कमीशन ऑफ 25 रुपए बाइसिकल सोल्ड, मतलब उसका एक कमीशन तो फिक्स है 25 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस एन एडिशनल कमीशन ऑफ 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच द गॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड्स द सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 पर बाइसिकल सोल्ड। अब ये बहुत क्रिटिकल एडजस्टमेंट है, मतलब देखा जाए तो अकाउंट है ही नहीं इसके अंदर, अकाउंटिंग बहुत आसान है इसकी अगर आपको कमीशन की अमाउंट मिल जाए तो। इसमें आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट ज्यादा है, मतलब एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो हम मैं देखता हूं। देखो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लिख लो रेगुलर कमीशन कितना है, इसको बोलेंगे हम वर्किंग नोट नंबर वन। रेगुलर कमीशन कितना देना है उसको, 25 पर बाइसिकल मल्टीप्लाइड बाय 400 बाइसिकल सोल्ड, तो 10,000 रुपये तो फिक्स कमीशन हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, इसको रेगुलर कमीशन बोलो या फिक्स कमीशन बोलो,
ये तो पक्का है कि 10,000 रुपये तो उसने 400 बाइसिकल बेचे, तो हमें 25 रुपये के हिसाब से उसको कमीशन देना है। अब एडिशनल कमीशन कैसा देंगे, देखो उन्होंने क्या बोला कि ग्रॉस सेल प्रोसीड कितना है, 400 बाइसिकल्स बेचे उसने, 160 रुपये के हिसाब से 64 रुपीज का सेल होता है उसका। कितने का सेल होता है बेटा? 64,000 का। बाद में हम करेंगे सेल्स एट 125 बाइसिकल। अगर वो 160 के में बेचा, उसके जगह 125 में बेचता, तो उसका सेल कितना होता बताओ? 50,000 रुपये का। उसको एडिशनल कमीशन कैसे देना है? 1/4 ऑफ अमाउंट बाई विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड एक्सीड्स द सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125। अगर ये इतना ही होता तो हम क्या करते, ये जो 64,000 में उसने हमारा माल बेचा, वो अगर 50 में बेचता तो कितने से ज्यादा बेचा, 14,000 से ज्यादा बेचा, तो हम उसको 14,000 का 1/4 दे देते। ये तो कोई इशू नहीं है, 14,000 का कितना दे देते उसको? 1/4। और 14,000 का 1/4 कितना होता है? 3,500। पर ऐसा नहीं है, ये क्या बोलता है कि इसका जो डिफरेंस है, आपने बेचा हमारा माल 160 में, बहुत अच्छा है, आप 170 में बेचो, 200 में बेचो, हम तो खुश है। हम तो भैया चाहते थे कि 125 से बेचे तो भी कोई बुराई नहीं है, पर उसने हमारा माल ज्यादा महंगा बेचा, हमारे लिए ज्यादा पैसे कमाए। तो इसमें से ये जो डिफरेंस है 14,000 का, लेस टोटल कमीशन करना है हमको। लेस क्या करना है? टोटल कमीशन। वी हैव टू डिडक्ट द टोटल कमीशन, दैट इज फिक्स एंड एडिशनल कमीशन फ्रॉम 14,000 ऑन बैलेंस। वी हैव टू गिव 1/4 ऑफ 20% ऑफ एडिशनल एज अ एडिशनल कमीशन। तो हमें 14,000 का 1/4 नहीं करना है, 14,000 में से भी 1/4, सॉरी 14,000 में से वो जो एडिशनल कमीशन बनेगा वो भी माइनस करना है, रेगुलर कमीशन भी माइनस करना है, और फिर बचे हुए का उसको 1/4 देना है। तो नीचे हमने क्या किया देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर आप लिख लेना लगे। सेल तो हुआ 64,000 का, ये 50,000 रुपया, ये एक्सेस सेल कमीशन लेस फिक्स कमीशन, बैलेंस बिफोर एडिशनल कमीशन कितना है? 4,000। इसमें से एडिशनल कमीशन भी माइनस करना है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो नीचे हम लिखेंगे कि लिखो लेट एडिशनल कमीशन बी एक्स, हेंस टोटल कमीशन विल बी 10,000 प्लस एक्स। अब इसको जो एडिशनल कमीशन देना है वो हम 1 मानेंगे, तो टोटल कमीशन कितना होगा उसका? 10,000 फिक्स है और एडिशनल कमीशन क्या है? एक्स है। नाउ अब एज पर कंडीशन गिवन, टोटल कमीशन एज पर द कंडीशन गिवन, एक मिनट, एडिशनल कमीशन इज इक्वल टू, ये है एडिशनल कमीशन का फॉर्मूला। देखो टोटल सेल 64,000, मतलब एक्स इज इक्वल टू, ये एडिशनल कमीशन है, माइनस उसका रेगुलर सेल होता है कितना? 50,000, और इसमें से माइनस करना है कमीशन भी 10,000 प्लस एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 60,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 60 में से 50 गए, 50 में से 10 गए, 10 बचे, ये तो जीरो 64। हाँ 64 में से 50 गए, 14 बचे, 14 में से 10 गए, कितना? 4। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 2,000। एडिशनल कमीशन इसको कितना देना है हमें? 2,000 रुपीज। हेंस टोटल कमीशन इज इक्वल टू होगा 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू, टोटल कमीशन देना है उसको हमें। हाँ एक मिनट, टोटल कमीशन इज इक्वल टू
अब ये वैल्यू फिर से डालेंगे एक्स की, 64,000 माइनस 50,000 माइनस 1/4 देना है ना, तो इसको पहले 1/4 कर देते हैं और इसमें से निकाल लेंगे हम एडिशनल कमीशन। नहीं एक मिनट, ये बराबर किया क्या मैंने? 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन, ये यहीं से 1/4 डालना पड़ेगा। सॉरी, ये सबका क्या करना पड़ेगा हमें? 1/4 ही देना है इसका, पूरा नहीं देना। 1 मिनट, ये देना है 1/4 इस चीज का, ये देना है सबका 1/4, ये भी देना है हमें इसका 1/4। हाँ वही 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 होगा, ये हमें 1/4 ही देना है। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते ना यहां से, 1 मिनट, यहां तक बराबर है? तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, 64 में से 50 गए, 14, 14 में से 10 गए, 4000 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना? 4000। तो एक्स इज इक्वल टू कितना रे? 4000 डिवाइडेड बाय 800। ये है हमारा एडिशनल कमीशन। तो अब हम लिख सकते हैं टोटल कमीशन कितना हुआ। टोटल कमीशन 10,000 फिक्स है, प्लस एडिशनल देना है 800, टोटल हो गया 10,800। ये करना था आपको इक्वेशन सॉल्व। हो गया क्या, आया था क्या किसी का 10,800? चलो लिख लो, जिसका जिसका आया उसको बधाई, जिसका नहीं आया वो अभी भी डाउट पूछ सकते हैं। नहीं समझा, यहां पे लाइन पढ़, क्वेश्चन पढ़, आंसर नहीं समझा तो क्वेश्चन पे वापस आने का। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। ये है मेन क्वेश्चन जिस पे आपको फोकस करना है। क्या लिखा है? वाई इज एंटाइटल टू अ फिक्स कमीशन ऑफ 25 रुपया पर बाइसिकल सोल्ड। यहां तक समझ में आया क्या कि उसको तो फिक्स कमीशन मिलेगा 25 रुपया पर बाइसिकल सोल्ड। ये फिक्स कमीशन कितना है? टेन थाउजेंड, ये तो मिलेगा। अब उसको कुछ एडिशनल कमीशन देना है, ज्यादा पैसा देना है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी कि उसने 125 में बेचा तो भी चलता, पर उसने हमारा माल 125 में बेचने की जगह कितने रुपए में बेचा? 160 रुपीज में। फिर एडिशनल कमीशन की ए लाइन पढ़, ये एन एडिशनल कमीशन ऑफ 1/4। एडिशनल कमीशन कितना देना है? 1/4 देना है। किसका 1/4 देना है बेटा? किसका 1/4 देना है? टोटल अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड। ग्रॉस सेल प्रोसीड कितना है हमारा बता? ग्रॉस सेल प्रोसीड एक्चुअल में कितने में माल बेचा उसने? 60,000 का है ना। अब इसमें हमें क्या करना है? 1/4 करना है। ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब 64,000, इसमें से क्या करना है? लेस, लेस मतलब क्या? माइनस टोटल कमीशन देयर ऑन, माइनस टोटल कमीशन देयर ऑन। अब टोटल कमीशन देयर ऑन क्या है? 10,000 वाला फिक्स कमीशन प्लस एक्स रुपीस का कौन सा कमीशन? एडिशनल कमीशन। तो ये देख, यहीं पे इक्वेशन बना देता, 1/4 करना है,
ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब 64,000 का, उसमें से लेस मतलब क्या करना है, माइनस करना है। टोटल कमीशन बनता है 10,000 प्लस एस एक्सीड्स सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 बाइसिकल सोल्ड। तो एक्सीड्स मतलब ये भी माइनस करना है। ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 पर बाइसिकल सोल्ड, 125 पर बाइसिकल सोल्ड मतलब कितनी बाइसिकल बेची उसने, 400 मल्टीप्लाइड बाई 125 मतलब भी कितना, 50,000। तो यही तो इक्वेशन में रखा हमने, हमने तो यही किया ना कि ग्रॉस सेल प्रोसीड उसका 64,000 लेस 50,000 लेस 10,000 प्लस एक्स, और इस पूरे का पूरे का पूरा कमीशन नहीं देना, इसका सिर्फ कितना देना है उसको 1/4, और यही है उसका एडिशनल कमीशन मतलब एक्स। और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें मिला एक्स इज इक्वल टू 800। अब क्लियर है क्या? अब इस लाइन में जो रेड किया है वो पर एडिशनल कमीशन देना है 1/4। तो 1/4 किसका? ऑफ द अमाउंट बाई विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब 64,000 लेस टोटल कमीशन मतलब 10,000 प्लस एस एक्सीड्स मतलब वो भी उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 125 पर बाइसिकल सोल्ड। ये यही तो इक्वेशन है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चाहो तो अपना जो आंसर है इसको आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक में हमने क्या किया, एडिशनल कमीशन 1/4 ऑफ अ सेल एट 160 माइनस सेल एट 125 माइनस टोटल कमीशन 1/4 ऑफ 60,000 माइनस 500 माइनस 10,800 1/4 ऑफ 3,200 मतलब कितना, 800 रुपया। अब चाहो तो आप लिख लो ये, अगर नहीं लिखा है तो चलो लिखना स्टार्ट कर। लिखना हो गया क्या सबका कि लिखना बाकी है? अरे लिखना हो गया कि बाकी है? बस फिर इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। हो गया सबका? चलो फिर अब इसमें बनाना क्या था आपको? कंसाइनमेंट अकाउंट और वाई का अकाउंट, तो फाइनली बता दो मुझे, क्लोजिंग स्टॉक है क्या कुछ बता दो फिर। कंसाइनमेंट अकाउंट और एक बना दो मुझे कंसाइनी अकाउंट, आप ही वैल्यू बताओ मैं फटाफट लिख लेता। बोलो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए के लिखूं? 50,000। उसके नीचे क्या लिखूं? एक्सपेंस कितने? 700। और टू वाई अकाउंट क्या पे किया उसने? क्लियरिंग 1,500। और वाई ने पे किए सेलिंग एक्सपेंसेस कितने? 4,000। और टू वाई कमीशन कितना कमीशन पे किया? 10,800। और कितना है प्रॉफिट? 7,000। सेल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,400।
40 कैसे कैसे निकाला, 50,000 प्लस 700 प्लस 1,500 डिवाइडेड बाय कितनी साइकिल भेजी थी हमने, और बची कितनी? तो 104.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आया क्या सबका टोटल बता दो दोनों साइड की। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक में किसी को दिक्कत है कि जम गया सबको? हेलो गाइस, आप लोगों से बातें कर रहा हूं मैं। चाहो तो नोट नंबर 3 बना लो, 4 बना लो। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 प्लस 700 प्लस 1,500 एंड होल डिवाइडेड बाय कितने बाइसिकल बेचे तेरे अपन ने, 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय कितने बच गए, 100। तो ये आता हमारा 10,440, कोई अबनॉर्मल लॉस वगैरह इस केस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो रुचि ने बोला कि सेम है, ये करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम था क्या सब कुछ? एकदम सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो निकाल ही डालता है इसको। फिर फाइंड द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड सेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टॉक रिजर्व इन द फॉलोइंग क्या केसेस। तो अब जब आपको स्टॉक रिजर्व फाइंड करने बोला है, मतलब प्रॉफिट का पोर्शन किस पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस पे निकाली जाएगी, इनवॉइस प्राइस पे। बराबर है? तो बताओ एक एक करके आंसर। पहला, गुड्स कॉस्ट है 300 रुपए, इनवाइस टू कंसाइनी एट 25% प्रॉफिट ऑन क्या, कॉस्ट। 500 यूनिट वेयर सेंट, आउट ऑफ विच 400 यूनिट वेयर क्या सोल्ड। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिख लेते इनवाइस प्राइस पर यूनिट, केस ए। लगा थे खाली टेबल मांगे क्या, बोलो इनवॉइस प्राइस पर यूनिट कितना होगा यहां पे, 375। कैसे निकाला 375, 100 पे 25, तो सेलिंग प्राइस 125, तो 300 की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए बोलो, 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। ये कैसे किया, हवा लगी क्या? अरे हाँ कि ना, कैसे इनवॉइस किया, 25% ऑन क्या किया है, कॉस्ट। तो 100 की चीज 125 में बेची, हाँ 375। तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस कितने यूनिट बचे बताओ, तो 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना, 375, कितना आता है, 375। ये हो गया इनवाइस प्राइस। अब इसका क्या निकालना है अपने को, स्टॉक रिजर्व। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, ऐसा भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट पर यूनिट, एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना है हमारा, 300 का 375, तो स्टॉक रिजर्व 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹75 पर यूनिट इज इक्वल टू ₹75,000। ये हो गया पहले केस का आंसर। सबका सही था कि गलत था बताओ,
केस बी पढ़ते। हाँ, इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड सेंट, तो आईपी पर यूनिट में डाल दो फिर यहाँ पे, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, एक लाइन नीचे ऐड कर दो ना, रुपीस कितने यूनिट भेजे बेटा, 5,000 ना, मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 375 पर यूनिट, कितना होता बोलो। तो ये हो गया एक आंसर, इनवॉइस प्राइस ऑफ अ गुड सेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस निकाला, उसका प्रॉफिट पर यूनिट पता है, तो उसका स्टॉक रिजर्व भी निकल गया। दूसरे केस पे आ जाओ, गुड्स कॉस्टिंग है 300, इनवॉइस किया 25% प्रॉफिट ऑन क्या, इनवॉइस प्राइस, तो यहां लिखेंगे अपन इनवॉइस प्राइस पर यूनिट। फॉर्मूला कैसे बनेगा कि अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25, तो कॉस्ट कितनी है 75, अरे हाँ कि ना। तो कॉस्ट अगर 300 है तो इनवॉइस प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो 300 को डिवाइड करना पड़ेगा 75 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, कितनी आती बताओ। ये हो गई इसकी इनवॉइस प्राइस। फिर वही इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेंट, उसमें हर किसी पे एक प्रॉफिट, और उसका स्टॉक रिजर्व, इनवॉइस 5,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे बेटा हम, 400, कितना होता है 20 लाख। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1,000 × 400, 4 लाख। अब 300 की चीज 400 में इनवॉइस की, तो प्रॉफिट पर यूनिट 100 हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक पे जो रिजर्व है वो आएगा 1,000 × 100, ₹1,00,000। ये बराबर है क्या बताओ। अरे हाँ कि ना। केस नंबर सी पे आते हैं। फिर बताओ, गुड्स आर इनवॉइस एट 600 है, सो एज टू गिव द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। 3,000 यूनिट वेयर सेंट, आउट ऑफ विच 20% अभी भी क्या है स्टॉक में, तो ये तो पहले ही दिया है अपने को, इनवॉइस प्राइस पर यूनिट गिवन है रुपीस कितना 600, प्रॉफिट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं 600, इनवॉइस प्राइस पे ही प्रॉफिट लगाते हैं कितना परसेंट 20%, मतलब ₹120 का प्रॉफिट है पर यूनिट। अब क्या निकालना है अपने को, इनवॉइस प्राइस ऑफ अ गुड सेंट इज इक्वल टू कितने यूनिट सेंड किए केस थ्री के हिसाब से, 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 600 पर यूनिट, कितना होता है 18 लाख रुपीस। दूसरा क्या निकालना था अपने को, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस। अब यूनिट 20% इन स्टॉक है, तो अपन पूरे 3,000 20% कर लेते हैं, फिर यूनिट इन क्लोजिंग स्टॉक यूनिट भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक चाहो तो लिख के रख दो, नहीं तो डायरेक्ट 20% भी किया तो एक ही आंसर आएगा, तो यूनिट का ही क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। 3,000 यूनिट बेचे थे, 20% है बोलते हैं, कितने होते 3,000 के 20%, 600। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस, तो 600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹600 पर यूनिट, कितना होता है बेटा ये 3,60,000। 3,60,000 स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू 600 यूनिट्स
एक एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना है हमें पता था, रुपीज 120 पर यूनिट, कितना होता है बेटा ये? सेवेंटी 2000। अरे हाँ कि ना, लास्ट वाला केस, गुड्स इनवॉइस के 600 पे सजेस्ट टू गिव द 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब यहां पे प्रॉफिट है 20% पर यूनिट ऑफ कॉस्ट है, यहां 20% पर यूनिट ऑफ क्या था, इनवॉइस प्राइस था। प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा मालूम है क्या? 100 की चीज 120 में बेची तो 120 से डिवाइड करना पड़ेगा और 20 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट पर यूनिट आएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है कि नहीं आता है? तो स्टॉक रिजर्व आएगा 600 × 100, 60,000 का। लो जी मेरा आंसर बन गया। इनवॉइस प्राइस पर यूनिट 600 है, प्रॉफिट पर यूनिट 100 आता है इस हिसाब से जाए तो। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट तो 600 ही आएगा, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट 3000 × 600 आएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 600 × 600 360,000 आएगा, पर यहाँ पे स्टॉक रिजर्व 600 × 100 मतलब 60,000 रुपया आएगा। इज दैट ओके क्या? यस सर। सबको समझा क्या? प्राइम लास्ट क्वेश्चन ये होता था क्या? इसके बाद वाला क्वेश्चन होमवर्क था क्या? हाँ, तो देखो क्या दिया है। दिनेश ऑफ कोलकाता कंसाइन किए 100 ट्रांजिस्टर सेट, कॉस्ट है 500 ईच टू सुरेश, इनवॉइस प्रोफर्मा बनाया कितने रुपए पे? 600 रुपए पे। तो हर एक यूनिट पे लोडिंग कितना रुपए का है? सुरेश को मिलेगा कमीशन ऑफ 7.5% ऑन सेल प्लस 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन, मतलब 7.5 एंड 2.5 टोटल 10% देना है, एंड 10% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस रियलाइज ओवर द इनवॉइस प्राइस। वैसे तो हमने 600 रुपए में उसको बेचा है, कितने में बेचने को बोला है? 600 में। अगर वो 600 में बेचता है तो हम उसको 10% कमीशन देने जा रहे हैं पक्के में, पर अगर वो कोई यूनिट 600 के ऊपर बेचता है 650 में, 700 में, 800 में, तो उसको हम और 10% कमीशन देंगे। कितना परसेंट कमीशन देंगे? 10%। सुरेश वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड रीच हिज गो डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हम है दिनेश, हमने माल बेचा सुरेश को, एक बार माल उसके गोडाउन में पहुंच गया तो उसके बाद के सारे खर्चे किसको करने हैं, सुरेश को कि दिनेश को? सुरेश। तो सुरेश अगर खर्चा करेगा तो वो क्या एंट्री पास करेगा? कैश बैंक को करेगा क्रेडिट और खुद के खर्चे को करेगा डेबिट, क्योंकि वो खर्चा उसका है। अगर सुरेश ने कोई खर्चा किया तो हम उसकी कोई एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा खर्चा है ही नहीं। ये बात समझी क्या सबको? While sending the goods, दिनेश ने पे किए 1500, तो हमको तो उसके गोडाउन में माल पहुंचा देना था, तो ये हमारा ही खर्चा है। इन ट्रांजिट 10 ट्रांजिशन सेट डैमेज हो गए और दिनेश मतलब हम खुद कंसाइनर हमें मिले 4000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब मुझे बोलो हमने जो माल भेजा था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 500 रुपये। अरे हाँ कि ना? सो ट्रांजिस्टर पे हमें खर्चा कितना आया? 1500, मतलब हमारी कॉस्ट हो गई 515। मतलब ये जो 10 ट्रांजिस्टर गए इसका लॉस हमें हुआ 515 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5150, उसमें से 4000 रुपये आ गए, मतलब 1150 पीएनएल में जाएगा हमारे। सुरेश ने डिलीवरी ली रिमेनिंग ट्रांजिस्टर की और उसने पे किए 4500 एज फ्रेट। ये 4500 हमें खर्च करने हैं कि सुरेश को खर्च करने? नहीं, 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 हमें करने। लाइन को ध्यान से पढ़ो,
उसके गोडाउन में माल पहुंचने के बाद के खर्चे उसको करने, पर वहां तक पहुंचने का खर्चा हमें ही करना है। अब वो अनिकेत की बात को ध्यान में रखो, ट्रांजिस्टर 100 निकले थे, 10 तो ऐसे चले गए, तो उसके हाथ में आए सिर्फ 90 ट्रांजिस्टर, तो ये 4,500 रुपया खर्चा कितने ट्रांजिस्टर का है? 90। फिर सुरेश ने 70 बेचे 800 में, तो ये तो 600 से ऊपर गया, तो इसको तो रेगुलर कमीशन भी देना है और एक्स्ट्रा कमीशन भी देना है। 30 ऑफ देम क्रेडिट पे बेचे उसने, इसका हमें कोई लेना देना नहीं, वो उधारी में बेचे कि नकदी में बेचे, हमारे हिसाब से तो 70 ट्रांजिस्टर बिक गए 800 रुपए के भाव से। आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ 3 ट्रांजिस्टर सेट कुड नॉट बी रिकवर्ड, 3 ट्रांजिस्टर का पैसा भी नहीं आया, ये भी किसका खर्चा है? दिनेश का कि सुरेश का? सुरेश का। उसने पे किए 500 रुपए स्टोरेज और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा है कि उसका खर्चा है? सुरेश ने बैंक ड्राफ्ट से बाकी के पैसे भेज दिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। आओ इसका मेरे पास तो बना के तैयार है, इसका कंसाइनमेंट अकाउंट, आपने बनाया होगा तो अच्छा है, नहीं बनाया होगा तो मेरे साथ साथ क्या करो, चेक करो। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन इधर लेता हूँ अलग, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की और एक एक उसकी क्या पास करेंगे हम, एंट्री पास करेंगे। ओके ये है बेटा मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो ध्यान से, आइए पहला क्या है, हमने माल बेचा 100 ट्रांजिस्टर, 500 की कॉस्ट थी, इनवॉइस किया 600 पे, तो एंट्री कॉस्ट पे करेंगे कि इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, बोलो। तो पहली एंट्री आएगी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे, 100 इंटू कितना 600, और जैसे ही एंट्री होती है इनवॉइस प्राइस पे तुरंत इसका क्या रिवर्स करना चाहिए हमें, लोडिंग है ना, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये है इसका लोडिंग। 100 रुपए का लोडिंग है, 100 यूनिट पे कितना रुपया होता बताओ, 10,000। चलो तो ये पहली लाइन हमने पढ़ी, इसकी जो एंट्री पास करनी थी हमने कर दी। आगे सुरेश को कमीशन मिलेगा 7.5% का रेगुलर और 2.5% का डेल क्रेडिट, 10% और मिलेगा अगर वो 600 के ऊपर बेचता है, तो वो भी देना पड़ेगा उसको। वाइल सेंडिंग द गुड्स दिनेश ने 1500 रुपए पे किए, क्या इसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्या हमें? हाँ, कितने रुपए की? 1500 रुपीज की। अरे हाँ कि ना गाइस, यस और नो? चलिए ठीक, लेट्स मूव हेड। ट्रांजिट में 10 ट्रांजिशन लॉस्ट हो गए और दिनेश को उसके 4,000 रुपए मिले, अब मुझे बोलो लॉस्ट इन ट्रांजिट एंट्री क्या करोगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे? ऑब्लिक लॉस इन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये रेगुलर पीएनएल में डेबिट होगा। कैसे भाई कैसे, कॉस्ट कैसे निकाली बताओ तो, बनाओ नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस, सारे की सारी एंट्रियां कौन से प्राइस पे करनी है हमें,
कौन से प्राइस पे करनी है बोलो ना। प्राइस इनवाइस प्राइस तो हमारी कितनी होगी, 600 मल्टीप्लाइड बाय कितने ट्रांजिस्टर भेजे थे हमने, 100 डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 100 यूनिट से। और हमने कोई खर्चा किया क्या? हाँ, 1500 रुपया प्लस 1500, ये खर्चा है हमारा। यहां तक समझ में आया क्या? अरे हाँ कि ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 लॉस से और भेजे थे कितने, 100। बोलो कितनी आती है कीमत इसकी? सिक्स वन फाइव जीरो। इसको लिखेंगे प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एट इनवाइस प्राइस कितना, 6150। और हम करेंगे लोडिंग, बताओ लोडिंग की एंट्री बताओ कितना लोडिंग था इस पे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। अरे हाँ कि ना। रुपीज 100 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स, कितना होता है इस पे लोडिंग, 1000। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ लॉस इन ट्रांजिट की। लॉस इन ट्रांजिट की जर्नल एंट्री होगी 6150, 6150। ये बात सही है कि गलत है बोलो ना। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो आईपी के ऊपर है ना, तो अपने को लोडिंग माइनस करना पड़ेगा। उसकी माइनस थोड़ी होगी, जर्नल एंट्री होगी ना, उसके उल्टा जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री, रिवर्स जर्नल। तो करना पड़ेगा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। अकाउंट को करेंगे क्या हम डेबिट, वन थाउजेंड, और अबनॉर्मल लॉस को ही करना पड़ेगा क्या क्रेडिट। तो क्योंकि ये मेथड इनवाइस प्राइस मेथड है, इसलिए एंट्री 6150 की और नरेशन में लिखेंगे बीइंग लोडिंग ऑन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट रिवर्स्ड। तो आ गया वो कॉस्ट पे ही ले देके 5150 पे। अरे हाँ कि ना बताओ। ये देखो 6150 कैसे आई, ये देख लो उसकी एंट्री क्या हुई। वो देख लो और उसका लोडिंग बाद में रिवर्स कर डालने का। जहां जहां गुड्स जाएंगे वो जाएंगे इनवॉइस प्राइस पे, पर जैसे जैसे ही एंट्री होगी इनवॉइस प्राइस पे वैसे ही उसका लोडिंग उसके साथ साथ रिवर्स किया जाएगा। यहां तक बात समझी क्या? ओके चलो इसको डालते हैं अपन अकाउंट में डालते हैं। एंट्री भी पास करो अबनॉर्मल लॉस की, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना, छह हजार एक सौ पचास। और साथ ही इसका क्या रिवर्स कर दो तुरंत, लोडिंग भी रिवर्स कर दो। बाय सॉरी बाय नहीं, इधर क्या आएगा, टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये है उसका लोडिंग कितने रुपए का, 1000। ये एंट्री समझ गई क्या सबको, समझा? चलो आगे बढ़ते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नथिंग नॉट अ बिग डील।
कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करना। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है तो बना ले। मैं यहां लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, यह है हमारी अमाउंट पर्टिकुलर्स और यह है हमारी अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला इसने, हमको 4000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से भी मिले तो ये अकाउंट और बनाना, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बोलो बनाओ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ जल्दी से, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और उसका अमाउंट यहां पे आएगा टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। कौन से प्राइस पे बेटा, इनवाइस प्राइस पे, कितना 6150। और यहां पे उसका वही जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट दे रहा हूं मैं, 6150 का डबल एंट्री और 1000 की डबल एंट्री। ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का लोडिंग 1000, फिर 4000 रुपये हमें मिले कैश बैंक को डेबिट, और लॉस को क्रेडिट रिकवर्ड फ्रॉम या इंश्योरेंस रिसीव्ड। कितना मिला बेटा 4, तो नेट लॉस कितना गया 1150। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस 1150 हो गया। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बन गया मेरा, तुम लोग भी बना। आगे बढ़ते, ऑल राइट। ये हो गई 3 जर्नल एंट्री, ठीक है ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट और गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट को क्रेडिट 6150, इनवाइस प्राइस को गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट को डेबिट और अबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट 1000, उसका लोडिंग रिवर्स किया, वही एंट्री को बिल्कुल उल्टा कर दिया, और बाद में कैश आए तो कैश को डेबिट और अबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट। ये हो गया भाई, हमारा अकाउंट बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहली लाइन पढ़ी एंट्री की, ये 1500 की एंट्री हो गई, 10 यूनिट के लॉस और 4000 रुपए मिलने की एंट्री होगी। सुरेश ने डिलीवरी लिया, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, अभी रिमेनिंग ट्रांजिस्टर कितने हैं, 100 बेचे थे 10 चले गए, कितने आए उसके हाथ में 900। सुरेश ने 70 ट्रांजिस्टर बेचे, क्या रेट के, 80 के रेट से, तो अब डालेंगे सुरेश के नाम से एंट्री। क्या होगी एंट्री बोलो, बाय कंसाइनी है ना, सेल, एक कोई वैल्यू बताओ सेल की, 800 × 70, कितना होता है 56,000। यहां पे डेबिट तो किसके अकाउंट में, यहां पे क्रेडिट तो किसके अकाउंट में डेबिट, सुरेश बनाओ, सुरेश का अकाउंट बनाओ। ये रहा 56,000 की एंट्री, उसके अकाउंट में क्या होगी, डेबिट होगी, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, 3 ट्रांजिस्टर का पैसा नहीं मिला, ये किसका प्रॉब्लम है, सुरेश का।
उसने 4,500 रुपया खर्चा किया, इसकी भी एंट्री करो। क्या एंट्री करोगे बोलो? कंसाइनमेंट टू सुरेश। टू सुरेश अकाउंट कितना? 4,500। ये किस चीज का खर्चा है भाई? क्रेडिट काट दीजिए। कार्ड लीजिए। कंसाइनमेंट में डेबिट, तो किसको क्रेडिट है? सुरेश सुरेश को क्रेडिट। ये एंट्री पास करो। चलो हो गई क्या ये एंट्री पास? सुरेश ने 70 ट्रांजिस्टर बेटे उसका भी काम कर दिया हमने। उसने पे अब 500 रुपया स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस, नीचे एक नोट लिखेंगे। नोट, एक्सपेंसेस ऑफ बैड डेट एंड ₹500 ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय सुरेश। हेंस सुरेश विल पास एंट्री फॉर धिस इन हिज बुक्स। दिनेश नीड नॉट टू पास द एंट्रीज फॉर द सेम। ये बात समझ में है ना? दिनेश को इन दो खर्चों की कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। BORNE चाहिए। ये नोट लिख। सब कुछ तो हो गया भाई हमारा, सब कुछ हो गया, सिर्फ उसके कमीशन का हिसाब करना बाकी है। तो आ जाओ अगली नोट लिखते हैं। कमीशन कैसा कमीशन देना है उसको बताओ। तो 10% तो देना ही है, और एक्सेस प्राइस रियलाइज ओवर द इनवॉइस प्राइस पे और 10% देना है। तो यहां देंगे हम उसको रेगुलर कमीशन इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन। एट 10% बोलो टोटल सेल कितना हुआ उसका? 56,000। कितना? 50। 56,000। और इसका कितना परसेंट देना है? 10% कमीशन। 5,000 क्या? 600 दे दो भाई। 5,600 का कमीशन। एंट्री पास करो। चलो टू सुरेश कमीशन या रेगुलर कमीशन बोलो। 5,600 कंसाइनमेंट में डेबिट और सुरेश के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट रेगुलर कमीशन के नाम से। 5,600। अब उसको एक्स्ट्रा कमीशन भी देना है। कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमीशन देना है? 10%। एक्सेस कमीशन कैसा देंगे बताओ? उसने कितने में बेच डाला हमारा माल? कितने में बेचा? 800। बेचना कितने में था? 600 में। तो 200 रुपए के हिसाब से 70 यूनिट के पैसे ज्यादा आए, और इस पे कितना परसेंट? 10%। एक एक साइकिल पे 200 रुपए ज्यादा लाया ना वो हमारे लिए। तो एक्सेस सेल हुआ 14,000 रुपए, उसका होगा 1,400। इसकी भी डबल एंट्री पास करो। टू सुरेश एक्सेस कमीशन। ₹1,400 कंसाइनमेंट में डेबिट और सुरेश के अकाउंट को। ये दोनों काम हो गए भाई हमारे। कमीशन हमने 30 क्रेडिट पे सेल किया तो उस पे लगेगा ना?
हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा का वो तो क्रेडिट पे बेचे नकदी पे बेचे, हमने बोला 600 में बेच, 500 की चीज थी 600 में बेचने बोला था, उसने तो 800 में बेचा, तो जितने में भी ज्यादा बेचेगा 600 के ऊपर तो 200 रुपये एक चीज पे ज्यादा दिए, मतलब 200 × 70 14,000 ज्यादा दिए, उसका उसको 10% देना है। डजंट मैटर कि कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा। हाँ, इन द बुक्स ऑफ सुरेश एंट्री करनी होती तो जो बैड डेट है वो सुरेश का लॉस है, और फिर हम उसकी एंट्री पास करते हैं। वही तो मैंने कल बताया था कि जब आप डेल क्रेडिट कमीशन देते हो बराबर है, तो वो पूरे सेल पे देना चाहिए। हाँ, आपका डाउट सही है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि सुरेश ने 70 ट्रांजिस्टर बेचे थे 800 में, उसमें से 30 उसने बेचे क्रेडिट पे, तो ये जनरल एज्यूम है इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन, और चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो एज्यूम दैट 10% कमीशन इज पेड ऑन टोटल सेल, तो आपके हिसाब से 7.5 आता, 3 ट्रांज जो उधारी पे बेचे कितने ट्रांजिस्टर 30, उसपे 10 आता, तो आपके हिसाब से 40 पे आप 10% देते, 7.5% देते, 30 पे आप 10% देते और एक्सेस पे 10% देते, ऐसा ही बोल रहे हो ना? पर वैसा होता नहीं है। अब उसने बोला भी होगा, अगर वो ये बोल देता कि मैंने पूरे के पूरे 70 उधारी में बेचे, तो आप क्या कर लोगे? तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को भी उठाओगे ना, तो उसमें यही माना जाता है 10% कमीशन इज पेड ऑन टोटल सेल, ये एजम्पशन लेके चलने का, ये मैंने कल बताया था, बुक में भी यही एजम्पशन लिया जाता है। अब सीधा है भाई, आप अगर सुरेश होते तो आप क्यों बताते उसको कि मैंने 40 नकदी में बेचे और 30 उधारी में बेचे? आप तो यही बोलते कि मैंने सब उधारी में बेचा, पैसा मैं लाके दूंगा ना आपको, उसकी चिंता क्यों करते हो आप? बुक में देखो तो राधा उन्होंने क्या किया है, मैं भी देख लेता, पेज नंबर बताओ। एनी वन विथ द पेज नंबर? अच्छा, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, हम मानेंगे पूरे पेज दिया। अच्छा, आपने ऐसा नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो, आप आपको चाहो तो मैं चेंज करके दे सकता हूँ। आप ऐसा बोलो रेगुलर कमीशन, देखो फॉर टाइम बिंग मैं रफ में बनाता हूँ, आप ऐसा भी बना सकते हैं, कैसा? रेगुलर कमीशन ऑफ 7.5% ऑन कैश सेल इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 7.5%, तो ये आता 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5% 2,400। रेगुलर प्लस डेल क्रेडर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 800 के भाव से 30 और उसपे कितना परसेंट? 10%, 2,400 ये आता। फिर आप आते एडिशनल कमीशन, वो आता आपके हिसाब से 200 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 10%, एक हजार चार सौ। यही बोलना चाह रहे थे ना आपकी सर, ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया तो भी गलत नहीं है, आपने ऐसा एजम्पशन लिखा तो भी गलत नहीं है, दोनों को ही आंसर देंगे। सिर्फ इनका 500-600 आता, इनका 24-24 48 आता, प्रॉफिट भी अलग आएगा, सेटलमेंट भी अलग आएगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। पर मैं ये मानता हूं कि जब डेल क्रेडिट कमीशन रहता है तो वो टोटल सेल पे ही दिया जाता है, क्योंकि सामने वाला इतना हॉनेस्टली बताता ही नहीं है कि मैंने कैश में बेच दिया तो मेरे को कमीशन कम दो, वो तो बोलेगा मैंने आज उधारी में बेचा, उसने दूसरे दिन पैसे लाके दिए।
तो आपको जैसा करना है करो, पर मेरी बात मानो तो यही मेथड यूज करो, नहीं तो फिर इसको स्पेसिफिकली लिखो कि हम नहीं मानते ऐसा है। चाहो तो अच्छे से लिख लो, रेगुलर 7.5% प्लस डेल ग्रेडर 2.5% इज पेड ऑन टोटल सेल। तो रेगुलर कमीशन होगा इंक्लूडिंग डेल ग्रेडर कमीशन 5-600, एक्सेस कमीशन ये आएगा 800 माइनस 600 का 70 का 10%। बोलो तेन, हाँ ठीक है, चलो फिर इन दोनों की एंट्री हो गई। और क्या बचा है क्वेश्चन में, देखो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, बनाओ नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्वांटिटी बताओ पहले। हंड्रेड माइनस 10 माइनस 70 कितना, 20 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट बताओ ऑफ 1000 यूनिट सेंट, 100 यूनिट सेंट की टोटल कॉस्ट कितनी थी बेटा हमारी, एट आईपी करना पड़ेगा ये किस पे करना पड़ेगा, आईपी पे। 100 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 600 पे बेचा, हमने कोई खर्चा किया क्या इस पे, वो तो उसने दिया ना, वो तो 90 ट्रांजिस्टर पे ही दिया उसने, क्योंकि उसके हाथ में कितने पहुंचे 90, इज इक्वल टू ये हो गया 61,500 कॉस्ट पर यूनिट सेंट, ये आएगा 61,500, ये आएगा इनवॉइस प्राइस आईपी, पर यूनिट से डिवाइडेड बाय कितना 100, तो ये आएगा 61,500 डिवाइडेड बाय 100, 615 बराबर है। लोडिंग पर यूनिट सेंट ये तो 100 था, कॉस्ट पर यूनिट इंकर्ड बाय सुरेश ऑन 90 यूनिट्स रिसीव्ड, उसको तो 90 यूनिट ही मिले थे, ये कितना किया उसने 4,500। एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट ये आएगा 4,500 डिवाइडेड बाय 90, करो कितना होता रहे, 50 रुपये उसने खर्च किए, ₹50 पर यूनिट। ऑल राइटी, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो टोटल आईपी करते कॉस्ट नहीं है ये, टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारा तो 615 है ही, प्लस उसने 50 लगाया, तो ये हो गया 665। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आईपी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस आएगा 665 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट थे बोले, 20 यूनिट्स, तो ये इनवाइस प्राइस पे आता है ₹13,300। लोडिंग कितना आएगा मालूम, या स्टॉक रिजर्व, अरे एक एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना है, 100 ही रुपए का है ना, ₹100 पर यूनिट इंटू 20 इज इक्वल टू ₹20,000, 2,000।
जर्नल एंट्रिया बताओ, चलो क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस और उसका स्टॉक रिजर्व। बोलो ना। जर्नल एंट्री बता सकते कि नहीं बता सकते? कंसाइनमेंट हाँ, क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट। कौन से प्राइस पे बेटा ये? इनवाइस प्राइस पे डेबिट कितना? 13,300 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये इनवाइस प्राइस पे कितना? 13,300। ये एंट्री पास करने के साथ ही नरेशन लिखेंगे, बीम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड एट इनवाइस प्राइस। इसी के साथ साथ इसका लोडिंग रिवर्स करेंगे, सेम एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट 2,000। लोडिंग कैसे निकला सबको समझ में आया? अरे कैसे निकला सबको समझ में आया क्या? 2,000 ये हो गया भाई उसका लोडिंग भी रिवर्स। चलो एंट्री आप पुट करो। यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक इनवाइस प्राइस पे कितना आया था रे? 13,300। और इधर आएगा उसका लोडिंग, या उसको स्टॉक रिजर्व बोलो। हो गया सब कुछ, कुछ चीज नहीं बची। टोटल अकाउंट और सारी अकाउंटिंग हमने कर ली। प्रॉफिट बता दो। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना आया बेटा? टोटल बता दो, बराबर नहीं है, ये गलत है, फिर से करो। आती तो हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बना। ये आपका नोट नंबर 1 है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपका नोट नंबर 2 है एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग और उसका लोडिंग, ये उसकी जर्नल एंट्री। वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है पर हम लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि करना क्या होता है। ये उसके इंश्योरेंस के पैसे आए वो भी हमने लिख लिए। देख लो एक बार अपने आंसर्स को चेक करो। ये सुरेश का अकाउंट भी बना दिया हम। चलो सुरेश के अकाउंट को बैलेंस करके बताओ तुम क्या लेना है क्या देना है। सुरेश हमारा कंसाइनर है ना? कंसाइनिंग बाय बैंक कितना रहे?
हो गया उसका अकाउंट टैली 56,000 का। बना लो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, आईपी पे रिकॉर्ड किया लॉस, फिर उसका लोडिंग रिवर्स किया, बैंक से पैसा आया, बचा कुचा पीएनएल में डाला, सब कुछ हो गया। वर्किंग नोट नंबर थ्री, वर्किंग नोट नंबर थ्री सुरेश अकाउंट हो गया, लिखना पूरा परफेक्ट सबका। वर्किंग नोट नंबर फोर अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर फाइव भाई उसका बैड डेट और ये सब हमारा नहीं पूछा। वर्किंग नोट नंबर सिक्स कमीशन, तो ये माना कि पूरा के पूरे कमीशन पे हमने उसको डेल क्रेडिट के साथ दिया है और साथ में एक्सेस कमीशन भी दिया है। वर्किंग नोट नंबर सेवन कैलकुलेशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्वांटिटी निकाली, उसकी आईपी निकाली, उसकी लोडिंग निकाली और साथ में उसकी जर्नल एंट्री भी बता दी हम। ये जर्नल एंट्री आपकी समझ के लिए, एग्जाम में नहीं लिखी तो भी चलता। बोलो आपको ये डाउट है इसमें, एनी डाउट गाइस? तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है आपको, रीमा का और एक सौ दिल्ली का, लास्ट के दो क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ। अरे करोगे कि नहीं करोगे? कर लो कि कल मिलते हैं, फिर करो करो। मस्त चैलेंजिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा? कंसाइनमेंट। सच में मजा आता अगर दिल लगा के करो तो। टेक अ चैलेंज एंड डू इट, है ना? चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ है ना, इको है।